वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, अभी बता दूं आप लोगों को, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं अभी। तो बस खाना वगैरह मेरा बन गया है, झाड़ू लग गई है और पूजा वगैरह करनी थी तो मैं नहा भी चुकी हूँ। और फ्रेंड, आज मैं करने वाली हूँ अपने घर के पूरे घर के जाले साफ करने वाली हूँ, तो सारे जाले क्लीन करूंगी। ये देखिए कितने सारे जाले लगे हुए हैं, तो वीडियो में शायद सही से नहीं दिख रहे होंगे बट बहुत ज़्यादा जाले हो गए हैं। और ये देखिए रोशनदान पे भी कितने जाले हो रहे हैं। तो जाले साफ़ करने से पहले थोड़ा सा सामान जो इधर उधर रखा हुआ है वो सही जगह रख देती हूँ, क्योंकि फिर धूल वगैरह गिरेगी तो ये गंदा हो जाएगा। और ये सब सामान उठा देती हूँ क्योंकि घर में सामान तो इधर उधर रहते ही है। तो मुझे घर सेट भी करना था बट पहले जाले वाले करके फिर घर भी सेट करूँगी। और ये देखिए पूजा की थी तो ये कटोरियाँ भी रखी हैं, इनमें भगवान जी को नहलाती हूँ तो वो भी बाहर ही पड़ी हुई हैं, इनको भी रख देती हूँ। और ये बुक्स वगैरह जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक मैं रखती हूँ, और ये बेडशीट वगैरह बेडशीट हटा देती हूँ क्योंकि पिल्लो कवर और बेडशीट मैंने अभी कल ही वॉश किए थे, ये सब तो अभी मैंने कल ही चढ़ाए हैं, तो इनको सबको यहाँ से हटा लूंगी। नहीं तो क्योंकि मैं जब ऊपर से डस्टिंग करूंगी तो फिर ये सब गिरे यहाँ पे गंदा होगा। सारे पिल्लो उठा के मैंने यहाँ इस तीसरे रूम में रख दिया है जो कि मेरा स्टोर रूम है। तो ये बेडशीट भी उठा लेती हूँ क्योंकि बेडशीट फिर गंदी हो जाएगी। तो ये देखिए बेडशीट मैंने निकाल ली है और गद्दा झाड़ रही हूँ, और झाड़ने से क्या फ़ायदा, अभी फिर ऊपर से धूल गिरने वाली है। और ये देखिए मैं फिर से आ गई हूँ स्टोर रूम में, तो जाला वाली झाड़ू निकाल रही हूँ। तो ये रूम खाली रहता है तो इसको स्टोर रूम की तरह मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए अब आ गई हूँ मैं इस रूम में, तो पहले ये सामान उतार लेती हूँ सब, क्योंकि जाले छुड़ाऊँगी तो ये सामान गिर सकता है, झाड़ू वगैरह लग जाएगी तो, और फिर वैसे भी ये गंदा होगा तो मुझे बाद में वॉश करके लगाना होगा। तो ये देखिए सब बेड पे रख रही हूँ मैं। ये है लाफिंग बुद्धा और ये है श्री कृष्ण जी, तो इनको मैं बिस्तर पे नहीं रख सकती हूँ। बाकी आप देख सकते हैं ट्रॉफीज वगैरह जो उतारी हैं वो मैंने बेड पे रख दी हैं, लेकिन इनको मैं इधर रख देती हूँ क्योंकि भगवान और प्रसाद कभी भी ये बेड पे बिस्तर पे नहीं रखने चाहिए। मुझे झाड़ू की भी जरूरत पड़ेगी तो झाड़ू लेके आती हूँ। तो झाड़ू लेके आ चुकी हूँ मैं और अब करूँगी मैं ये जाले वगैरह साफ़। तो ये देखिए स्टूल पे चढ़ चुकी हूँ अपने सब हथियार लेके, तो झाड़ू और ये जाला झाड़ू लेके चढ़ गई हूँ तो ये सब साफ कर रही हूँ। इस दीवार में काफी क्रैक आ रहे हैं, पता नहीं ये क्रैक ऐसे मतलब पेंट में है या फिर पूरे दीवार में है तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन काफी क्रैक आ गए हैं इसमें। और फैन भी ना बहुत ज्यादा गंदा है, लेकिन फैन तो मैं इसके पापा से साफ कराऊंगी, तो फैन आज मैं नहीं करूंगी क्योंकि फैन में बहुत ज्यादा डस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये ना पिल्लो कवर से साफ करते हैं तो उससे नीचे गंदा नहीं होता है, तो कल ही मैं इनसे साफ करवाऊंगी। ऐसे ही लग गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो मैं पहले अपना माउथ नोज आईज सब कवर कर लेती हूँ उसके बाद करूंगी। और आइस के लिए ये गॉगल्स, पूरी डॉन लग रही हूं ना मैं, लेकिन ये गॉगल्स लगाने के बाद ना मुझे जाले नहीं दिखेंगे। दिख रहा है ऐसा नहीं है। नीचे आप लोग देख सकते हैं कितनी डस्ट और ये जाले वगैरह सब गिरे हुए हैं। तो ये सब मैंने ऊपर से साफ़ करके अभी गिराया है, तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया था। और अब आ गई हूँ मैं अपने दूसरे वाले रूम में, तो यहाँ पे ये स्टडी टेबल को कवर कर रही हूँ क्योंकि फिर ना डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हैं तो वो गंदी ना हो, इस वजह से मैंने स्टडी टेबल को कवर कर दिया है। और ये देखिए मुझे छींके आना भी शुरू हो गई हैं क्योंकि मैंने पहले अपने मुंह को कवर नहीं किया था, भूल गई थी मैं, और बाद में कवर किया तो देखिए मुझे छींके आने स्टार्ट हो गई। और मुझे धूल से एलर्जी है तो फिर मुझे ये सब तो होता ही है,
चाहे जितना मैं मुंह को कवर कर लूं, बट आज तो नहीं कल परसों मुझे जुखाम पक्का होगा। और ऐसा जुखाम होता है कि बस फिर पूरा दिन नाक से पानी पानी चलता रहता है। तो ये देखिए, ये वाला रूम भी मैं खाली कर रही हूँ, तो खाली करने के बाद में फिर करूँगी। और इस रूम की भी बेडशीट हटा दी है, गद्दा नहीं उठाया मैंने, क्योंकि इतनी तो डस्ट नहीं रहती है, जाले वगैरह रहते हैं, तो बस वही सब साफ कर रही हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, दिव्यांशु का टेस्ट पेपर है ये, तो नंबर अच्छे नहीं आए इसलिए यहाँ छुपा दिया है। तो खैर, अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में अच्छे से देखूंगी, अभी नीचे डाल दिया है। और आप ये वाला फैन देखिए आप लोग, कितना ज्यादा गंदा दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फैन को मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगी, क्योंकि इससे ना बहुत ज्यादा डस्ट गिरेगी नीचे, तो हस्बैंड से ही करवाऊंगी। फैन वगैरह मैं इसलिए क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने किया था तो फिर ना उसके पर टेढ़े हो गए थे, तो इस वजह से फैन वगैरह मैं छोड़ ही देती हूँ, यहीं से कराती हूँ, क्योंकि मेरी उतनी हाइट है नहीं, फिर पर ना टेढ़े हो जाते। कमरों के तो जाले सब छुड़ा दिए मैंने, और अब आ गई हूँ मैं हॉल में। तो ये देखिए, हॉल में भी काफ़ी जाले लगे हुए हैं, तो ये बस जाला झाड़ू से सब साफ़ कर देती हूँ, और फिर जब एक बार सफाई में लगती हूँ तो पूरे घर का ही कर लेती हूँ। और ये देखिए, अब आ गई हूँ मैं बालकनी में, तो बालकनी में धूप है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है, कभी काला आ रहा है कभी कैसा। तो ये देखिए, बालकनी में भी जाले लगे हुए हैं, तो बस ये भी साफ़ कर देती हूँ। और मेरी बालकनी काफ़ी बड़ी है, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए मुझे कभी भी छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं बालकनी में ही सूख जाते हैं। तो ये देखिए, बालकनी का तो हो गया। और अब आ गई हूँ मैं इधर सीढ़ी की तरफ, जहाँ पे मेरे पौधे वगैरह रखे हैं। तो इधर देख सकते हैं, ये दीवार पे मैं झाड़ू को ऐसे इसलिए घुमा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है, तो बस वही साफ़ कर रही हूँ। और इधर ये मैंने कुछ पौधे भी लगा रखे हैं, और ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। जाला छुड़ा दिया और झाड़ू भी लगा दी है पूरे घर में, और आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पसीने पसीने हो रही हूँ, तो वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना ज्यादा पसीना आ रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अब ऊपर से ये खिड़की दरवाजे और ये रोशनदान सारे मुझे डस्टिंग करनी है। जाले वगैरह तो मैंने छुड़ा दिए हैं, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पोछा लगाने की, और डस्टिंग तो मैं बाद में करूँगी क्योंकि फर्श पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, तो पहले पोछा लगा देती हूँ। और बेडशीट वगैरह भी सब बिछानी है, तो बाद में बिछाऊँगी। तो बस वही है, नीचे इतना धूल मिट्टी है तो खिसखिस खिसखिस हो रहा है, तो बस पहले फटाफट ये देखिए पोछा करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो बस अभी पोछा लगा के और फिर करूँगी जो भी काम करने होंगे। और ये देखिए, बेड के नीचे तो ये सही रहता है, इस वाले पोछे से बेड के नीचे तक हाथ पहुँच जाता है। ये डंडा प्लूटो को डराने के लिए रखा गया है। उस रूम में तो मैंने पोछा लगा दिया है, और अब आ गई हूँ इस रूम में। तो देखिए, इधर भी मुझे बेडशीट वगैरह बिछाना है, और ये ना ब्लाउज की डोरी खुल गई थी, तो बस अभी काम के चक्कर में बांध नहीं रही हूँ, फटाफट काम फिनिश कर लेती हूँ। और गर्मी भी बहुत लग रही है मुझे, तो बस फ्रेंड्स पोछा हो गया है, और ये देखिए कारपेट वगैरह मैंने डाल दिए हैं, तो बस अब इस रूम की भी बेडशीट वगैरह सब सही से कर देती हूँ। और ये सब काम करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, वैसे तो अभी इतनी गर्मी नहीं है, बट काम करने में तो गर्मी लगती है क्योंकि बहुत देर से लगी हुई हूँ। तो ये देखिए, प्लूटो भी बैठा है। और फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग काफ़ी पहले का है, तो ब्लॉग पड़ा हुआ था, मैंने एडिट नहीं किया था, क्योंकि मुझे अभी आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे कि कैसी आवाज़, मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से मैंने अभी वीडियो बनाना बंद कर रखा था, क्योंकि वीडियो बनाती हूँ तो फिर उसमें लाउडली बोलना पड़ता है, तो गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इस वजह से मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई है। तो ये ब्लॉग पहले का था, इसलिए एडिट करके मैंने कहा डाल देती हूँ, और कोशिश करूँगी कि रोज़ नहीं तो
कम से कम एक दिन छोड़ के ब्लॉग बना सकूं। तो बस फ्रेंड्स क्या करें, तबीयत ही सही नहीं थी इस वजह से मैंने अभी ब्लॉगिंग बंद कर रखी है, और कोशिश करूंगी कि फिर से ब्लॉग स्टार्ट करूं, और कर रही हूं अभी। आज ये ब्लॉग एडिट करके डाल रही हूं, आगे भी ब्लॉग शूट करूंगी डालूंगी। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी डस्टिंग हो गई है, तो आप लोगों से बात करते करते काम भी कर रही हूँ। तो ये देखिए ये इस पे भी सब धूल मिट्टी चढ़ गई थी, तो ये सब जल्दी जल्दी डस्टिंग कर देती हूँ। ये दो ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं, क्योंकि इनकी मम्मी ना सुबह कहीं जाती हैं, शायद कुछ सीखती हैं, तो वो 2 घंटे के लिए कहीं जाती हैं। तो इन बच्चों की मैंने छुट्टी नहीं की, बाकी बच्चों को मैंने फोन करके मना कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा काम नहीं हो पाएगा, फिर आधा आज करती आधा कल करती, तो इस वजह से मैंने और बाकी बच्चों को मना कर दिया और उनको शाम को बुलाया है। डस्टिंग हो गई है और ये सब भी अच्छे से वॉश कर दिए हैं, तो बस इनको जहाँ ये ऊपर रखे थे वहीं पे रख देती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं डस्टिंग का पानी कितना काला हो गया है। नहाता नहीं है इतनी अच्छे से जितनी अच्छे से पुछवाता है। इसका मुंह कैसा लगता है जब ये नहा लेता है, मतलब ऐसा हो जाता है गीला।